हम 2020 में कल प्रवेश कर जाएंगे और इस अवसर पर मैं एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के तमाम साथियों को और एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे देशवासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं और आशा करता हूं कि जो नया वर्ष है वो आप सबों के लिए ठीक हो, क्योंकि जो 2019 जो आज आखिरी दिन है ये कैसा रहा ये सब आप जानते हैं। मैं राजनीतिक रूप से भी टीका टिप्पणी करता हूं और किसी को भी मेरी बात अगर ऐसा लगता है कि मैं बगावती तौर पर अपनी आवाज को रखता हूं तो वो ये समझे। प्रण करते हैं आजादी का सांप नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन बदन में लहू गर्म लहू का एक खून भी बाकी है हम भारत की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, हमें आवाज उठानी पड़ेगी और इस आवाज के साथ इस अहंकार के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। साल के आखिरी आज दिन है, इस 2019 का आखिरी दिन है, इसलिए मैं आप तमाम क्रांतिकारी साथियों से अपील करूंगा कि ये जो सियासत आई थी ये सियासत क्यों आई थी, क्योंकि ये सियासत ये कहकर आई थी कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, इसने पूरे देश पूरे मुल्क का विनाश कर दिया। ये सियासत आई थी नोटबंदी लेकर और नोटबंदी में कहा गया था कि हम आतंकवादी जो 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 कार्यकलाप है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2019 में इसी पुलवामा यानी आतंकवादी के बल पे चुनाव जीता गया और ये सियासत से कोई सवाल न कर पाए कि आतंकवादी हमले क्यों खत्म नहीं हुए, सियासत से कोई सवाल नहीं कर पाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर आज हर दिन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, सियासत से कोई सवाल न कर पाए। जब आप ये सवाल करेंगे कि बेटियों के बलात्कार रुके, जब आप सवाल करेंगे कि शिक्षा निजीकरण क्यों हुआ, जब ये सवाल करेंगे कि भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुका, जब ये सवाल करेंगे कि ये नक्सली आप 2014 में आपने कहा था कि नक्सली हमले कम हो जाएंगे, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो 2019 में ये आतंकवादी हमले कैसे हो गए और पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा जो हमारे जवान है वो शहीद कैसे हो गए और प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से एनआरसी पर सफाई देने के लिए वो इस देश के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल को, इस देश के पीएचडी होल्डर को और बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, आप अगर सियासत का विरोध कोई कर रहा है, सरकार की जो अहंकारी नीति है उसका विरोध कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ पास किया गया सीएए उसका विरोध कर रहा है, पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, सियासत की कार्रवाई का विरोध कर रहा है, तो अर्बन नक्सली कहा जा रहा है। जरा सोचिए प्रधानमंत्री की भाषा है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा 2020 में, लेकिन मैं आपको सारी चीजें आज बंद हो जाएगी, 2019 का दिसंबर भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन मैं आप तमाम साथियों से अपील करूंगा कि अपनी लड़ाई को बंद नहीं करना है साथियों, आपको ये सवाल करने हैं और जब ये सवाल इस देश के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जो इतिहास को समझते थे, नागरिक शास्त्र को समझते थे, जो देश का संविधान समझते थे, बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान समझने वाले लोग थे, जब ये सवाल करने लगे कि ये जो सियासत है ये क्यों नहीं कर पाई, 2-2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला प्रतिवर्ष, 15-15 लाख रुपए कहां गए, बुलेट ट्रेन कहां चला गया, महंगाई क्यों कम नहीं हुई, पेट्रोल के डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए, बेटियों का बलात्कार क्यों नहीं रुका, और ये जो चौकीदार के रहते हुए सारे लोग पैसे लेकर मुल्क से बाहर कैसे भाग गए, इस पर सवाल न करें। तो मोदी जी ने कहा कि ये सवाल बाद में करना, पहले ये साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं, ये आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2020 में, लेकिन मेरी अपील है कि आप इस लड़ाई को नहीं छोड़ना है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। जब इस देश में अंग्रेज आए थे, आप सबों को याद होगा, अंग्रेज व्यापार करने आए थे, शासन करने नहीं आए थे, और व्यापार करने आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे। आज इस देश में हमें ये लड़ाई लड़नी है फांसीवाद बनाम समाजवाद का, हमें लड़ाई लड़नी है इस देश में पूंजीवाद बनाम समाजवाद का, और ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस देश को फिर से एक बार पूंजीवाद को दे दिया गया है, पूंजीपतियों को दे दिया गया है, और आज ईस्ट इंडिया ऑफ अंबानी एंड अडानी ग्रुप बन चुका है और ये लोग हमारे देश पर शासन करने लगे हैं, और इस दो पहिए में एक अमित शाह है दूसरे मोदी। इसलिए आप तमाम साथियों से अपील है मेरा कि आप
जो रिलायंस का जियो फोन है वह तुरंत आप पोर्ट करा लें, रिलायंस की कोई भी सर्विस ना लें, और सरकारी बैंकों में अगर आपके पैसे हैं तो आप निकाल कर आप दूसरे बैंक में रखें या तो घर में रखें। देखिए देखिए किस तरीके से इस देश का जो है जो अहंकारी सरकार है वो अपने जमीन पर आ जाती है। आप सबों से मेरा अपील है साथियों, जब तक एनआरसी तिजोरी में मेहनत कश की गुलामी है और जब तक सीएए या एनपीआर तिजोरी में मेहनत कश की गुलामी है तब तक हम हर सिंहासन को अपराधी बतलाएंगे। बागी हैं, हाँ हम बागी हैं, हाँ हम बागी हैं, हम इनकलाब के गीत सुनाते जाएंगे। जब तक भोली जनता के अधरों पर एनआरसी एनपीआर और सीएए के डर के ताले हैं तब तक हम बागी होकर हर दिन अलख जगाएंगे। हाँ बागी हैं, हाँ बागी हैं, हाँ बागी हैं, हम इनकलाब के गीत सुनाते जाएंगे। जनगण मन से पूछ रहा हूं दिल्ली के दरबारों से, जनगण मन से पूछ रहा हूं दिल्ली के दरबारों से, कब तक हम लूटे जाएंगे इस अहंकारी सरकारों से और कब तक हम लूटे जाएंगे इस अहंकारी करनामों से। सिंहासन जब खुद ही शामिल है अब तो गुंडागर्दी में, संविधान के हत्यारे हैं सरकारी वर्दी में। जब तक लोकतंत्र डूबा रहेगा सरकारी गुंडागर्दी में तब तक हम इस भाषा में अहंकार दहकाएंगे। बागी हैं, हाँ हम बागी हैं, हाँ हम बागी हैं, हम इनकलाब के गीत सुनाते जाएंगे। मैं इस देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कहना चाहता हूं जो सत्तासीने हुई कि कोई भी निष्पक्ष नहीं है, सब सत्ता के पंडे हैं। आज पुलिस के हाथों में, आज सियासत के हाथों में भ्रष्टाचारी डंडे हैं, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। किसी शायर ने यह शेर कहा है और मैं उसी शेर को कोट कर रहा हूं आपके बीच कि मैं संजीदा साहिल हूं, मुझे और मौजों से क्या मतलब, कई तूफान आए पर मैंने ईमान नहीं बदली। जो लोग चाहते हैं कि आप जो है ट्वीट करके, आप ट्रोल करके हमारी आवाज को बंद कर देंगे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज न बंद हुई है और न बंद होगी। आज एक बहुत बड़ा विकराल समस्या इस देश के सामने खड़ा है साथियों। आज हम उस दौर में जहां देश का जो चौथा स्तंभ है, चौथा जो खंभा है, जो जाना जाता था जिस मीडिया जिसको आप बोलते हैं लोकतंत्र के लिए, आज वही मीडिया आज इस लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। अब मीडिया कहना ठीक नहीं है, ये गोदी मीडिया सब ज्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए आज ये गोदी मीडिया आज इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। जिस वर्ग के शोषण के लिए धर्म की स्थापना हुई थी आज वही वर्ग धर्म का ध्वजा लेकर शोषण के साथ खड़ा है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा साथियों। धरातल पर मौखिक रूप से आपको यह समझना पड़ेगा एनआरसी सीएए और एनपीआर ये अलग नहीं है, यह आपको धरातल पर समझना पड़ेगा। जैसे एक अंडे से ब्रेड ऑमलेट और पराठा बनता है वही है, अंडा ही खिलाया जा रहा है, कभी ब्रेड बोला जा रहा है, ब्रेड पर आपत्ति है तो पराठा बोल दिया जाता है, पराठा पर लोग आपत्ति करते हैं तो कहता है ये ऑमलेट है, ऑमलेट खाना है, लेकिन ये तीनों ही चीज एक है, इसके खिलाफ आपको आवाज बुलंद करते रहना है। ये आपके खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, और इस देश में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करने वाला जो हमारा संविधान है आज उसको हु द पीपल ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। आप कौन होते हैं सवाल करने वाले, आप अर्बन नक्सल हो गए, आप जो है नक्सलवाद को सपोर्ट करने वाले हो गए, तो ये जो तमाम जो दकियानुषी बनाया जा रहा है इसके खिलाफ आपको समझना पड़ेगा, इस साजिश को समझना पड़ेगा और इस साजिश के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। हालात ये हैं कि देश के संसद में 45% जो है वो गुंडा लश्कर बैठे हैं, गुंडा तस्कर बैठे हैं इस देश में। जब आप अपने बच्चे को, आप अपने एक टीचर नहीं रख सकते जो पता चलेगा ये गुंडा है, अपराधी है, बलात्कारी है, तो आप उस देश के संविधान में आप बैठा देते हैं, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इसलिए किसी कवि की कविता को कोट करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुंडे तस्कर चोर माफिया सीना ताने अरे हुए जिनको जेलों में होना था वो आज संसद में खड़े हुए। किस लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं? कोई साधु संत नहीं है राजनीति के दूरी पर, दूरी मतलब दरवाजा होता है, कोई साधु संत नहीं है राजनीति के दूरी पर, अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद के सीढ़ी पर, डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के दंगल में, अब कोई फर्क नहीं दिखता है संसद और चंबल में,
अब कोई फर्क नहीं दिखता है संसद और चंबल में। तो आप जब आप खुश होते हैं साथियों, आप खुश हो जाते हैं कि हम सरकार बदल देते हैं। माफ करिएगा, माफ इस बात के लिए कीजिएगा, मुझे कहने का हक देना है आपको कि 71 साल में इस मुल्क में कोई भी पार्टी नहीं हारी है। अगर हारी है तो इस मुल्क की जनता हारी है, इस मुल्क के लोग हारे हैं, इस मुल्क की जो बहुसंख्यक आबादी है वो हारी है। इसलिए आपको इस दकियानूसी से निकल करके आपको ऐसे जो फांसीवाद ताकतें हैं, जो अहंकारी सरकार है, सियासत है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है। और एक बात, एक अपील और करूंगा, सोशल मीडिया ही एकमात्र सहारा है इस आजादी, इस लड़ाई को लड़ने के लिए। इसलिए बहुत सावधानी से अपनी बात रखनी है। मेरा फेसबुक बंद कर दिया गया है, इसलिए मैं आप तक शायद बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन आप सभी से शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। जनोदय के चैनल पर जाएं, वहां पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे और देश की हर वो आवाज मिलेगी जो अहंकार के खिलाफ होगी। और आप उसे सब्सक्राइब करें, इसके मेंबर बने और अधिक से अधिक लोगों तक, समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हर व्यक्ति तक इस आवाज पहुंचानी है। यही हमारी सफलता होगी, यही हमारा आगाज होगा। और इस अहंकारी सियासत के खिलाफ आपको आवाज उठाते रहना है, जहां भी बैठे, जहां भी चले, जहां भी रुके, जहां भी बैठे, आपको एक बात याद रखनी है, एनआरसी के खिलाफ आपको आवाज रखनी है। मैं सिंहासन को भा नहीं सकता क्योंकि जुल्मों के खिलाफ हथियार हूं मैं, और हाँ सच कहना गद्दारी है तो समझो कि गद्दार हूं मैं, और अगर सच कहना गद्दारी है तो समझो कि गद्दार हूं मैं। जय हिंद।